নমস্কার, খবরের ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত। সাথে রয়েছি আমি সোমা। চলুন দেখে নিই আজকের বিশেষ খবর। ডুয়ার্সের বন জঙ্গলের আনন্দ নিতে এবার রেলের বিশেষ ট্রেন ভিস্টাডোম। বিগত কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে ফের শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য শুরু হয়েছে টয় ট্রেন পরিষেবা। পর্যটনের জন্য এবার সেই খুশির পালকে নতুন সংযোজন ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। আগামী 28 আগস্ট নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শুরু হয়ে ডুয়ার্সের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঠিক আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত চলবে এই ট্রেন পরিষেবা। ডুয়ার্স সফরকে এবার আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চলেছে ভারতীয় রেল। শনিবার থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেসে 2টি বাতানুকূল কোচ, 2টি চেয়ার কার ও 1টি ভিস্টাডোম কোচ নিয়ে যাত্রা শুরু করবে ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত যাত্রা শুরু করবে এই ট্রেন। জানা গেছে এই ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল 7:20 নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছেড়ে উত্তরের ডুয়ার্স পার্বত্য ও ঘন অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত যাবে। এই কোচে থাকা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারবেন যাত্রীরা। এই কোচে রয়েছে বড় জানালা এবং ছাদও রয়েছে কাচের। 44টি করে উন্নত মানের বসার সিট রয়েছে। 180 ডিগ্রি ঘুরতে পারবে সিটগুলি, যাতে সেখানে থাকা যাত্রীরা পরিবেশের সৌন্দর্য স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করতে পারে। মাথাপিছু ভাড়া ঠিক হয়েছে 770 টাকা করে। 30 কিলোমিটার গতিতে চলবে এই ট্রেন। পাশাপাশি পর্যটকদের মনোরঞ্জনেরও ব্যবস্থা থাকবে এই যাত্রায়। শুরুর সময়ে ট্রেনের যাত্রাপথে চালসা এবং হাসি মারাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপভোগ করতে পারবেন যাত্রীরা। সপ্তাহে 3 দিন শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার চলবে এই ট্রেন। যাত্রীরা IRCTC-র মাধ্যমে খাবারও কিনে খেতে পারবেন ট্রেনের মধ্যে। देखिए, ये कुछ फेयर स्ट्रक्चर तो हमारे जो है ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं। जैसे जो इसकी फैसिलिटी है वो एक्सक्यूटिव क्लास शताब्दी का जो कोच होता है उसके बराबर या उससे बेहतर है। तो अभी हम लोगों ने जो शताब्दी का एक्सक्यूटिव कोच का किराया है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, और इसके सक्सेस को देखते हुए फिर आगे हम लोग डिसाइड करेंगे कि और क्या करना। सर, फूड मिलेगा इसमें 7 कोच का जहाँ तक सवाल है ये NFR का है, लेकिन कैटरिंग IRCTC करती है हम लोगों की और उनको एक एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है। तो इनसाइड कोच IRCTC ये जो चालसा स्टेशन है ये NJP से जब हम लोग अलीपुरद्वार के लिए जाएंगे तब ये प्रोग्राम होगा, और लौटते समय हासीमारक का हम लोगों ने रखा है ताकि दोनों साइड के पैसेंजर्स को हम लोग कुछ इंटरटेनमेंट दे सकें। होस्टल रखा जाएगा, होस्टल जैसे फ्लाइट में होते डिस्क्रिप्शन के लिए ये IRCTC डिसाइड करेगी, क्योंकि IRCTC को हम लोग ने अप्रोच किया है और इनिशियली तो वो अपनी जो भी मैन पावर होगी उससे स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से हमको। हाँ, ट्रेन का स्टॉपेज हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रखा है उन चीज़ों को देखते हुए, और इन लोकेशन पर हम लोग टी मैन्युफैक्चरर से भी बात कर रहे हैं ताकि उसी टाइम में कुछ कल्चरल शो कर पाएँ, कुछ वहाँ की लोकल चीज़ों को, कुछ हैंडीक्राफ्ट का अगर हम लोग कुछ कर पाएँ तो ये कई आइडियाज़ हैं हम लोग के जो कि इन ड्यू कोर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस ढंग से टूर ऑपरेटर्स से हमें फीडबैक मिला है और जिस ढंग से हमें IRCTC और PRS की जो हमारी वेबसाइट है जिसमें हम लोग बुकिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सक्सेसफुल होगी। ये अभी लीन सीजन माना जाता है, अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है, बारिश कंटिन्यूस हो रही है, तो जब इस समय ऐसी बुकिंग है तो डेफिनेटली अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बनेगा विजिटर। रोमन
बुकिंग जो मुझे बताया गया है कि 44 में फर्स्ट दो दिन वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आ गया है सैटरडे संडे जो अभी नेक्स्ट वीक में ऑलरेडी 50% नेक्स्ट जो फ्राइडे सैटरडे संडे चलेगा नेक्स्ट वीक में उसका ऑलरेडी 50% घोषित बुक हो गए यानी कि काफी ग्रैंड सक्सेस की तरफ हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे ना तो ओनली सैटरडे ना पहले टीम में सैटरडे संडे ये सैटरडे से स्टार्ट होगी बट उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन सर्विस रहेगी और ये फीडबैक भी हम लोगों ने यहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर से बात करने के बाद ये इसका डेट को और डे को डिसाइड किया। अब सब लोगों को एक लिफलेट दिया गया है जिसमें विस्टाडोम ट्रेन सर्विस के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार के लिए जाएगी और सेम डे डे टाइम में ही वापस न्यू जलपाईगुड़ी आएगी। इसका जो टाइमिंग है सुबह 7:20 पर ये NJP से स्टार्ट होगी और स्टॉपेज में सिलीगुड़ी इसका स्टॉपेज है, पहला स्टॉपेज सीवॉक स्टॉपेज दिया गया है, न्यू मॉल, मदारी हाट, चालसा, हाँसीपारा, ये सब स्टॉपेज उस स्टेशन से रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो सफारी की सर्विस हम लोग फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे और जो उस स्टेशन का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इन सब का ध्यान रखते हुए किया गया है। और इस सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के पहले हम लोगों ने लोकल जितने टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग किया और इस एरिया का पोटेंशियल के बारे में पता लगाया कि कहाँ से टूरिस्ट हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। और आप सबको मालूम है कि जो टूरिस्ट का एंट्री पॉइंट है वो जलपाईगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी, सब लोग सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी आता है और यहाँ से फिर डिसाइड होता है कि कहाँ घूमने के लिए जाना है। क्योंकि ये विस्टाडोम है और इसमें 180 डिग्री का व्यू दिखता है पूरा, जो कि अभी कुछ देर में हम लोग विजिट करेंगे। और तो इस व्यू को अगर देखना है तो इसके लिए डे टाइम सबसे बेहतर है। मॉर्निंग 7:20 से ये सर्विस स्टार्ट होकर 1 बजे अलीपुर द्वार में टर्मिनेट होगी और फिर वापस रिटर्न में 2 बजे वहाँ से चलकर शाम को 7 बजे तक वापस NJP में आ जाएगी। और ये सर्विस इतनी पॉपुलर होगी इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि इसकी बुकिंग जो हम लोगों ने IRCTC से और PRS के थ्रू चेक किया है तो काफ़ी सक्सेसफुल है। और जो आज हम लोग मीडिया लॉन्च कर रहे हैं इसके बाद ये और पॉपुलर होगी ऐसा हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने हर स्टेशन पर कुछ थीम के ऊपर काम किया है। और जैसे इस पूरे एरिया में टी गार्डन्स हैं और टी के ऊपर कुछ थीम पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोग टी मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो भी पर्यटक इस एरिया को घूमने आते हैं उनको वहाँ के बारे में बताया जाए और वहाँ की जो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो उनको उस फ्लेवर को दिया जाए। और की कैपेसिटी है, लेकिन ये पूरी जो ट्रेन है इसमें हम लोगों ने जो कंपोजिशन बनाया है 2 नॉर्मल नॉन एसी कोचेज हैं जो शताब्दी के की तरह होंगे, 2 AC चेयर का कोचेज होंगे और 1 विस्टाडोम कोच होगा और उसके साथ पावर कार होगी ताकि किसी भी एरिया में अगर कहीं कोई दिक्कत ना हो जो भी पर्यटक उसमें घूमना चाहते हैं। 44 की कैपेसिटी है विस्टाडोम की और बाकी जो शताब्दी की कैपेसिटी होती है अराउंड 70+ की AC चेयर कार की एंड अराउंड 90+ के आसपास नॉर्मल चेयर कार की। और फेयर भी 3 तरह का होगा, एक मिनट अगर मैं तो 3 तरह का फेयर स्ट्रक्चर है। नॉर्मल नॉन एसी चेयर less than ₹100 में आप NJP टू अलीपुरद्वार जाएंगे, अराउंड 300-400 के बीच में जो शताब्दी का AC चेयर कार है उसकी कॉस्टिंग आ रही है और विस्टाडोम का अराउंड 770 है, 700-800 जो भी किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये जो फेयर है वो जो शताब्दी का फेयर होता है उससे मैच कराया है हम लोगों ने। और सर्विसेज जो है वो एक्सक्लूसिव दी जाएगी शताब्दी की तरह या शताब्दी से बेहतर, और उसमें नहीं आप कुछ
सीट्स की कैपेसिटी होगी। एक ही कोच होगा और बाकी जो चार बाकी दो एसी चेयर का और दो नॉन एसी चेयर का। अच्छा, तो भी विस्टा रूम नहीं, वो सब एक ही, वो जो ट्रेन होगी उस ट्रेन में कंपोजिशन है। ये डिटेल हमारे सीनियर डीसीएम बताएंगे, आप बताओ। देखो ये ब्रेक जर्नी भी है हमारे यहाँ फोक डांस है, जो वहाँ का ट्राइबल डांस है, चालसा और हाँसी मारा में हम लोगों ने उसको भी प्लान किया है। इसमें हम लोग सहयोग लेंगे लोकल जो हमारे ट्राइबल आर्टिस्ट हैं और टूरिस्ट ऑपरेटर का, और ये एक तरह से जॉइंट एफर्ट होगा IRCTC रेलवे टूर ऑपरेटर और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स और जो भी आर्टिस्ट हैं इस पूरे विस्टाडोम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसा कि हमारे जनरल मैनेजर गुवाहाटी से बता रहे थे आप सबको कि इनिशियली अभी सिर्फ दो ट्रेन चलाई जा रही है, विस्टाडोम स्पेशल न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार और एक सर्विस लमडिंग डिवीजन में हो रही है। इसके सक्सेस के बाद और बहुत सारे विस्टाडोम कोचेज आएंगे और लोकल मीडिया और टूर ऑपरेटर्स से फीडबैक लेते हुए हम लोग कई और सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूरे ये जो नॉर्थ फ्रंटियर का बेल्ट है ये नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। इसको अगर हम लोग सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर पाए तो सबके लिए एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट करेंगे। जो पर्यटक हैं उनको नई नई चीज़ें दिखा पाएंगे और हम सब अपने लिए एक नया बिजनेस एवेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम सब उस विस्टाडोम कोच को देखने के लिए चलते हैं और उसके बाद फिर आकर हम लोग उस विस्टाडोम कोच के बारे में बहुत कुछ बताएंगे आपको, और फिर DRM कटिहार भी आपको कुछ ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ये मैकेनिकल ऑफिसर हैं और विस्टाडोम की इनसाइड बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स ये आपको अच्छे ढंग से बता सकते हैं। बहुत अच्छा, आप सबको अलीपुर डिवीजन की तरफ से वेलकम। जैसा आप जानते होंगे कि आज दो विस्टाडोम स्पेशल चल रही है, एक न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जाएगी और दूसरी गुवाहाटी से हाफलोंग जाएगी। तो अभी जो एक कार्यक्रम जो कि अगले 5 मिनट में स्टार्ट होगा, हमारे जनरल मैनेजर गुवाहाटी से इन दोनों ट्रेन को मीडिया लॉन्च करेंगे और उनका अगले 5 मिनट में ही संबोधन होगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में आपसे बात करेंगे। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।